मथुरा की एक कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य लोगों को शांति भंग करने के आरोप से मुक्त कर दिया, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच तय 6 महीने में पूरा नहीं कर पाई। बचाव पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि उपसंभागीय मजिस्ट्रेट रामदत्त राम ने मंगलवार को आरोपियों अतिकुर रहमान आलल, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद को आरोप मुक्त कर दिया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामदत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत निर्धारित 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण शांति भंग के आरोप को रद्द किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116(6) के अनुसार इस धारा के तहत जांच शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी की जाएगी और अगर इस तरह की जांच पूरी नहीं हुई तो इसके तहत कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि विशेष रूप से देरी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज न किया जाए। अन्यथा मजिस्ट्रेट निर्देश दे कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के लिए हिरासत में रखा गया है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जब तक की समाप्त न हो तब तक की हिरासत में ही रखा जाए, यानी 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर कार्रवाई समाप्त न की जाए। इन हालातों में सिद्दीक कप्पन को दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की धारा 151 या संज्ञा अपराधों को रोकने के लिए, गिरफ्तारी 107 या अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा और 116 सूचना की सच्चाई की जांच के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। चरमपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगी को 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग हाथरस में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उसके गांव जा रहे थे। इन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि ये लोग पीएफआई के आलाकमान के इशारे पर हाथरस में दंगा फैलाने की नीयत से जा रहे थे। इनको देशद्रोह एवं दंगा भड़काने का प्रयास करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। मई कप्पन ने मथुरा जिला न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि आरोप पत्र में आरोपों में बिना दस्तावेजों के समर्थन के अन्य कथित अपराधों को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।